तस्वीरों में इलाज करा रहे इन भाई साहब को नहीं पता कि जिन्हें वो डॉक्टर समझकर इंजेक्शन लगवा रहे हैं वो हकीकत में मुन्ना भाई हैं, एक फर्जी डॉक्टर। दरअसल मामला बस्ती थाना क्षेत्र के तिवारी टोला का है, जहां 12वीं पास कलकत्ता से आया युवक अपना नर्सिंग होम चला रहा था। जरा देखिए इस नौजवान को, इन्हें ना ही किसी विभाग का डर था ना ही पकड़े जाने का खौफ। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस फर्जी डॉक्टर के नर्सिंग होम पर ना तो सीएमओ कार्यालय की नजर पड़ी और ना ही खाद्य एवं औषधि विभाग की। बहरहाल सूचना पर फर्जी अस्पताल पर डिप्टी सीएमओ ने पुलिस के साथ मिलकर छापा मारा और संचालक को जेल भेज दिया गया है और नर्सिंग होम को सील कर दिया गया है। साथ ही दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी हमने लालगंज में एक आईजी क्लिनिक रजिस्टर्ड था और उसी के नाम पे नर्सिंग होम चला रहा था और जिसके नाम से रजिस्टर्ड है वो डॉक्टर वहाँ नहीं था, वहाँ इंटर पास ऑपरेशन कर रहा था, मरीज ही मिले उसको सील किया, उसके खिलाफ एफआईआर किया। तो सुना आपने, डिप्टी सीएमओ ने बताया कि उनके पास ना तो मेडिकल की कोई डिग्री है, सिर्फ इंटर पास होकर ये लोग इस धंधे को चला रहे थे। इतना ही नहीं, इस नर्सिंग होम के अंदर इन दोनों ने ऑपरेशन की भी सुविधा बना रखी थी। भले इन दोनों मुन्ना भाई के पास कोई सर्टिफिकेट ना हो, लेकिन ये दोनों अपना धंधा ऐसा चला रहे थे मानो जैसे कोई एक्सपर्ट डॉक्टर हो। चलिए देर से ही सही, स्वास्थ्य विभाग की नींद तो टूटी। ऐसे फर्जी डॉक्टर बनकर लोगों की सेहत से मजाक करने वाले दोषियों के खिलाफ एक्शन तो लिया गया। बस्ती से मजहर आजाद की रिपोर्ट, यूपी तक।